अतीक अशरफ हत्याकांड के आरोपियों से फिर से पूछताछ की तैयारी है। तीनों शूटर्स को फिर से हिरासत में लेकर पूछताछ करने की तैयारी है। लवलेश, अरुण मौर्य और सनी से पूछताछ की जाएगी। एसआईटी बहुत जल्द सीजीएम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करेगी। एसआईटी ने 60 से ज्यादा चश्मदीदों के बयान दर्ज कर लिए हैं और चश्मदीदों के बयानों से तमाम नई जानकारियां मिलने की भी खबर है। एसआईटी तीनों ही आरोपियों से पहले भी पूछताछ कर चुकी है और फिर से अब उनसे पूछताछ करने की तैयारी है। हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोइन, और ज्यादा जानकारी दें इस बाबत। देखिए, माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या में मौके से जो तीन शूटर गिरफ्तार किए गए थे, उनसे प्रयागराज पुलिस की जो एसआईटी है जो इस मामले की जांच कर रही है, वो पहले भी 5 दिनों तक अपनी कस्टडी में रखकर पूछताछ कर चुकी है। लेकिन जो शूटर दावा कर रहे हैं कि उन्हें किसी ने भेजा नहीं था, वो खुद ही मारने के लिए आए थे, प्रसिद्धि पाने के लिए, चर्चा में आने के लिए, सुर्खियों में आने के लिए उन्होंने अतीक और अशरफ की हत्या की, वो बात पुलिस अधिकारियों के भी गले नहीं उतर रही है। क्योंकि जिस ठिकाना पिस्टल का इस्तेमाल किया गया, उसका कनेक्शन आप देख सकते हैं कि वो लॉरेंस बिश्नोई जो कि गैंगस्टर है, पंजाब के सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में मुख्य आरोपी है, वहां तक जुड़ करके सामने आए जो है वो। तो ऐसे में जो प्रयागराज पुलिस की एसआईटी है, वो अब इन शूटरों को एक बार फिर से अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ करने की तैयारी में है। पूछताछ करने के लिए कोर्ट से परमिशन जरूरी होगी, लिहाजा इस बात की तैयारी की जा रही है कि अगले 2-3 दिनों के अंदर ही कोर्ट में एक अर्जी दी जाए और कोर्ट को ये बताया जाए कि तमाम नए तथ्य सामने आए हैं जिसका क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाना जरूरी है, कि इन शूटरों से पूछताछ की इजाजत दी जाए। तो जब इन शूटरों से पूछताछ की जाएगी तो बहुत मुमकिन है कि जो हत्या का मोटिव है वो मोटिव सामने आ सकता है और ये तस्वीर साफ हो सकती है कि आखिरकार इन शूटरों ने अतीक और अशरफ की हत्या क्यों की थी। बहुत धन्यवाद आपका मोहित। इसी बीच में कुशीनगर से खबर है, बारिश हुई है वहां पर और बारिश के साथ वहां पर ओले गिरे हैं। बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है और 2 से 3 दिनों तक मौसम इसी तरह से रहने का अनुमान है। कुशीनगर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के देखिए कैसे ओले पड़े। बारिश तो हुई ही, ओले भी गिरे वहां पर और इससे तापमान में गिरावट आई, लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली और ऐसा पूर्वानुमान है कि 2 से 3 दिनों तक ये राहत जारी रह सकती है। 2 से 3 दिनों तक भयावह गर्मी से राहत रहेगी कुशीनगर के लोगों को। देखिए कल रात को कैसे ओले गिरे हैं बारिश के बाद, स्वाभाविक तौर पर तापमान गिरा है इससे और अधिकतम तापमान सुबह 10 बजे 37 डिग्री था लेकिन न्यूनतम तापमान 26 डिग्री था कुशीनगर। ओले और बारिश के कारण तापमान में गिरावट कुशीनगर। कुशीनगर की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें ओले गिरते हुए आप देख सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।